उत्तर में एक प्राचीन शहर मंडोर राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है जो पौराणिक तथ्य से जगह के महत्व आसानी से समझा जा सकता है कि राक्षस राजा रावण ने शहर में शादी की थी और इस घटना की गवाह देने के लिए एक रावण मंदिर देखा जा सकता है जो रावण की पत्नी मंदोत्री के जन्म स्थान पर बनाया गया था। 1459 ईस्वी तक मंदोर मारवाड़ की विरासत थी। बाद में राठौड़ प्रमुख रावण 14 ने राजधानी को नए पाए गए शहर जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। जब मंडोर की यात्रा पर गए तो मंडोर गार्डन की यात्रा करने के लिए एक बिंदु बनाए जिसमें मंदिर और स्मारक और ऊंचे रॉकेट टेरेस का एक अच्छा संग्रह है। बगीचे में पाए जाने वाले प्रसिद्ध स्मारकों में से उनमें से सबसे प्रमुख 1793 में निर्मित महाराजा अजीत सिंह की छतरी सरकारी संग्रहालय का दौरा करने के लिए एक बिंदु बनाए गए। हॉल ऑफ हीरोज 33 करोड़ देवताओं के लिए एक हिंदू मंदिर सरकारी संग्रहालय विभिन्न कार्यकर्ताओं कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है और जो इस क्षेत्र में पाए गए हैं। 33 करोड़ देवताओं का मंदिर देवी देवताओं की छवियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। बगीचे के सबसे खास विशेषता भव्य स्नैटॉप और देवालय हैं जो पूरे मंडोर गार्डन में पहले पे पाए जा सकते हैं। निसिंद इन स्मारकों में सबसे सुंदर प्रसिद्ध वह है जो महाराजा अजीत सिंह की है। बगीचे के अंदर की संरचना सिंध इसकी सबसे खास विशेषता है। उदाहरण के लिए हॉल ऑफ हीरोज में से एक चट्टान में उकेरी गई है योद्धाओं का 16 आंकड़े हैं। मंडोर गार्डन सुंदर स्मारकों से सुशोभित है जो बगीचों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इसके स्मृति ऐतिहासिक संबंधों को जोड़ते हैं। ये स्मारक सामान्य राजधानी छत के आकार की संरचना का अलग एक वर्ग है। ये अर्थ में इन स्मारकों को एक हिंदू मंदिर की वास्तुकला में प्रभात शैली में बनाया गया जो सिनोटॉप 4 मंजिले ऊंचे हैं। सभी लाल बलुआ पत्थर में बनाए गए। ये अच्छी तरह से प्रभाषित भाषा स्तंभों और स्टाइलिश शिखर के साथ पूर्ण। हेलो, आज जाना है मंडोर गार्डन, लेकिन ये वाकई में जो है। हेलो, मैं हूँ जोधपुर और मेरा जो होटल है होटल सिद्धि विनायक है और मुझे वहाँ होटल सिद्धि विनायक से मंडोर गार्डन जाना। आप देख सकते हो उस मैप में दिखा रहे हैं 42 मिनट, नहीं मुझे पूरे आई थिंक मुझे पूरा 50 मिनट तो लगे हैं, इससे ना ज़्यादा ना कम, ना 1 घंटा ना इससे कम, लेकिन 50 मिनट एग्जैक्ट लगे हैं। वाकई में अच्छी जगह, मुझे तो भी अच्छी लगी। और मंदोर वाकई में बहुत उन चीज़ों के लिए भी फेमस है। वहाँ पर मूवी भी बनी है पुरानी जो है वो मूवी, वहाँ मूवी बनी है। और जो सेंटॉप है वो वाकई में बहुत अच्छे पुराने 1459 ईस्वी के आए थे, लेकिन वो वाकई में अलग जगह थे। हेड चलो मेरे साथ आप सब। तो हम आज चलते हैं मंडोर में, मंडोर के इतिहास की सैर पर जिससे सरकार ने छोड़ दिया है, लेकिन इसका आकर्षण और इसके अवशेष आज भी कई कहानियां बयान करते हैं। मंडोर का प्राचीन नाम मंडपुरा था। राजस्थान प्रदेश में ऐसे लोग की मानता है कि लंकापति रावण और मंदोदरी का विवाह जोधपुर के मंडोर में हुआ था, मतलब कि मंदोदरी मंडोर की राजकुमारी थी। ऐसा माना और कहा जाता है कि रावण ने यहीं पर मंदोदरी के साथ साथ फेरे लिए थे। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता नहीं मिलते, लेकिन मंडोर में आज भी रावण की पूजा होती है और यहाँ दशहरा में रावण का दहन नहीं होता। वर्षों से जोधपुर राजपूताना वैभव का केंद्र रहा है, जिसके प्रमाण आज भी जोधपुर शहर में अगले
अनेक स्थानों पर प्राचीन इमारतों के रूप में मिलते जाते हैं। ये इतिहास में कहा जाता है कि इसे उल्टा मंडोर किला भी कहा जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों की वर्ष 1883 में सर मार्शल की 1917 में सचित प्रमाणित रिपोर्ट में भी किले के उल्टे होने का कोई उल्लेख नहीं है। जोधपुर के इतिहासवाद भी किले के उल्टे होने की बात को कोरी कल्पना वे अफवाह मात्र मानते हैं। पुरातत्व अनुसार शताब्दी में 12वीं और 7वीं शताब्दी के बीच यहां मंदिर की स्थापना किए गए थे, जो उस समय के लोग के धार्मिक आस्था को उजागर करते हैं। इतिहास में कहीं किसी किले और इससे बनने वाले राजा का नाम अभी तक सामने नहीं आया। खुदाई में भी अब तक ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिससे किले के निर्माता का नाम उजागर हो सके। खुदाई के दौरान मिले विक्रम संवत 894 के एक शिलालेख के अनुसार मंडोर में नागवंशी क्षेत्रों का राज था, जिन्होंने प्रतिहारों के पराजित कर अपना साम्राज्य और किला स्थापित किया। इंद्र परिहारों ने सन 1394 में राठौड़ को दुर्ग दिया, जो बाद में वर्ष 1459 में जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माण कर वहीं रहने लगे। चौथी शताब्दी में बने मंडोर किले में नागवंशियों पर नाम चौहान प्रतिहार राजों के बाद 1493 में राठौड़ का राज्य स्थापित हो गया। स्मारक दृष्टि से मंडोर किला सुरक्षित नहीं होने के कारण राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। मंडोर किला जर्जर होता जा रहा था। महाराजा जसवंत सिंह ने 1890 में आयोजनबद्ध तरीके से मंडोर किला परिसर के विकसित करना आरंभ कर दिया। मंडोर में जनान महल और देवालों के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। नतीजतन किला खंडर से तब्दील हो गए। किले में निर्मित मंदिरों के प्लेटफॉर्म और मूर्तियां सही होना साबित करता है कि मंडोर किला कभी भी उल्टा नहीं हुआ था। कार्टन लॉर्ड ने 1818 में मंडोर विजिट करने का लेख मिलता है। अब एआईएसआई के अध्यक्ष किले के मुख्य पुरातत्व विभाग और उद्यान विभाग और सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी देवस्थान आदि जुड़े के बाद कोई भी विभाग ध्यान नहीं दे रहे और एमएस तवर सहायक आदेश मनोरगढ़ फोर्ट की तरफ से जोधपुर के उत्तर में एक प्राचीन शहर मंडोर राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक है। यह पौराणिक तथ्य से जगह के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है कि राक्षस राजा रावण ने शहर में शादी की थी और इस घटना की गवाही देने के लिए यहाँ एक रावण मंदिर देखा जा सकता है जो रावण की पत्नी मंदोर के जन्म पर था। 1459 ईस्वी तक मंडोर मारवाड़ा की रियासत थी। बाद में राठौड़ प्रमुख राव जोधा ने राजधानी को नए पाए गए शहर जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया। अब मंडोर की यात्रा पर हो तो मंडोर गार्डन की यात्रा करने के लिए एक बिंदु बनाए जिसमें मंदिर स्मारक ऊंचे रॉक टेरेस का अच्छा संग्रहालय है। बगीचे में पाए जाने वाले प्रसिद्ध स्मारकों में उनमें से सबसे प्रमुख है 1793 में निर्मित महाराजा अजय सिंह की छतरी। सरकारी संग्रहालयों का दौरा करने के लिए एक बिंदु बनाया गया है। हॉल ऑफ द हीरोज और 33 करोड़ देवी देवताओं की एक हिंदू मंदिर। सरकारी संग्रहालय विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है जो इस क्षेत्र में पाए गए थे। 33 करोड़ देवी देवताओं और हिंदू देवी देवताओं की छवियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। बगीचे की सबसे खास विशेषता भव्य सेनोटॉप और देवाल है जो पूरे मंडोर
गार्डन में फैले पाए जाते हैं। निसंदेह इन स्मारकों में सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वह है जो महाराज अजय सिंह की है। बगीचे के अंदर संरचित निसंदेह उनकी सबसे खास विशेषता है। उदाहरण के लिए हॉल ऑफ द हॉल हीरोज और एक ही चट्टान में उकेरे गए युद्धों के 16 आंकड़े। ये एक सच वस्तुकला के प्रेमी के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं होगी। वैसे यहाँ की सुंदरता वस्तुकला हर किसी को अपनी ओर खींचती है। हमारे ख्याल से शायद ही मंडोर बाग जोधपुर के पर्यटन स्थलों में सूची में शामिल है। भले ही ये शहर के बीचों बीच स्थित है, पर ऐसा लगता है कि ऐसा इतिहास धरोहर पर त्याग कर दिया गया है। ये अफवाह के अनुसार यहाँ के आसपास के निवासी इसे उल्टा किला भी कहते हैं, पर यहाँ के किले के उल्टे होने का ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला। तो आज हम चलते हैं मंडोर के इतिहास का सैर, मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुरा या मांडवपुरा है था और ये पूरे समय मंडोर का प्राचीन नाम मांडरपुर या मांडवपुर था। ये पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राव जोधा ने मंडोर के असुरक्षित मान के सुरक्षा के लिहाज से चिड़ियाकूट पर्वत मेहरानगढ़ का निर्माण कर अपने नाम से बसाया था और इसे मारवाड़ की राजधानी बनवाया था। मंडोर मारवाड़ की पुरानी राजधानी थी। ये भी कहा जाता है कि मंडोर ससुराल होने के कारण भी प्रसिद्ध थी लंकापति रावण की ओर से। ये सांप्रदायिक सम्प्रद और एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि यहाँ ताना पीर की दरगाह, समाधि, जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर भी एक ही क्षेत्र में दिखाई देते हैं। यहाँ कई सदियों से होली के दूसरे दिन राव के मेले का आयोजन भी किया जाता है। मेले में निभाई जाने वाली कई परंपराएं और रीति रिवाज सदियों से चल रही हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के अनुसार विरासत सरकार ने एक ऐतिहासिक स्थान के संरक्षण के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई है कि किसी भी तरह से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब तो मंडोर बाग इस मंदिरों का घर बन गया है और आज ये जगह पूरी तरह से ध्वस्त अवस्था में पड़ी है और कोई भी किसी भी तरह की जानकारी के निशान यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ा एक खास आकर्षण आपको ये जगह की खूबसूरती देखने को बिल्कुल भी भुलाए बार बार। कृपया अपने साथ किसी भी तरह के खाने पीने का वस्तु ना लेकर आए, जैसे कि यहाँ पर बंदरों का वास है, इसलिए अपने सामानों का खुद सुरक्षा करें। बाग का आंदोलनिक भाग और परिवेश उतने ही अच्छी तरह से संरक्षित नहीं रखा गया है। बाग के आसपास की सड़कों पर कुछ छोटे छोटे दुकानें लगी हुई है जहाँ पर आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ें निशानी के तौर पर खरीद सकते हैं। मंडोर गार्डन सुंदर शाही छतियों से सजा हुआ है जो बगीचों को सुंदरता की बढ़ाता है और अपने ऐतिहासिक संबंधों से जोड़ती है। ये सेनोटॉप सामान्य राजधानी छतरी के आकार की संरचना में बनाया गया है और ये आपको बता देते हैं, इन सेनोटॉप को एक शैली में बनाया गया है जो हिंदू मंदिर की वास्तुकला को प्रभावित करते हैं। ये 4 मंजिले ऊंचे सेनेटॉप लाल बुला पत्थर में निर्मित किए गए हैं और अच्छी तरह से परिभाषित स्तंभों स्टाइलिश शिवर के साथ पूर्ण हैं। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक मंडोर गार्डन आराम करने के लिए सबसे अच्छे पार्कों में से एक है। मंडोर उद्यान का इतिहास छठवीं शताब्दी के समय का है। ये महान पारंपरिक मूलों के समायोजित करता है और अपने आप में वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। जो पार्क जोधपुर के उत्तर में मंडोर शहर में सिर्फ 9 किलोमीटर दूर स्थित है और जो मारवाड़ के महाराजाओं की पूर्व राजधानी थी। मंडोर में एक सुंदर उद्यान बना है जिसमें अजय सिंह को देवताओं की साल वीरों का दलान मंदिर बावड़ी
जनाना महल, एक थम्बा महल, नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने जो स्थापना पर लगे वे जोड़ नमूने हैं। इस उद्यान में देश विदेश पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। उद्यान में उनकी कलात्मक इमारतों का जोधपुर के महाराजा अजय सिंह व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासन काल के सन में 1714 से लेकर 1759 ईस्वी के बीच किए गए थे। इसके पश्चात जोधपुर के विभिन्न राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत आदि करवाकर शयन इससे आधुनिक ढंग से सजाया और इसका विस्तार किया गया। मारवाड़ के इस प्राचीन राजस्थान में कई प्राचीन स्मारक हैं। हॉल ऑफ हीरो में चट्टान से दीवार से तराशी हुई 15 आकृतियाँ हैं जो हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने उच्च चट्टानी चबूतरों के साथ अपने आकर्षण बगीचों के कारण इसे प्रचलित पिकनिक स्थल बनाया गया। उद्यान में स्थित जनाना महल में वर्तमान समय में राजस्थान के पुरातत्व विभाग के एक सुंदर संग्रहालय बनाया है जिसमें पाषाण प्रतिमाएं, शिलालेख, चित्र एवं विभिन्न प्रकार के कलात्मक सामग्री प्रदर्शित है। जनाना महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह 1707-1724 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था जो स्थापित कला के दृष्टि से एक बेजोड़ नमूना है। जनाना महल के प्रवेश द्वार व कलात्मक द्वार का निर्माण झेरों के निकाल कर किया गया है। इस भवन का निर्माण राजघराने की महिलाओं को राजस्थान में पड़ने वाली अत्यधुनिक गर्मी से निजात दिलाने हेतु कराया गया था। इसका प्रयाग में फवारे भी लगाए गए थे। महल प्रयाग में ही एक पानी का कुंड है जिसे नाग गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुंड पहाड़ों के बीच में एक पानी की छोटी सी धारा सतत बहती रहती है। मलबाग के शहर एक 3 मंजिल पहले इमारत बनी है। इस बेजोड़ इमारत को एक थम्बा महल कहते हैं। इसका निर्माण भी महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ। उद्यान में बने कलात्मक भवनों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह व उसके पुत्र महाराजा अभय सिंह ने शासनकाल के समय 1714 से लेकर 1759 के ईस्वी के बीच हुआ था। इसके पश्चात जोधपुर के विभिन्न राजाओं ने उनके उद्यान की इमारत आदि करवाई और समय समय पर आधुनिक ढंग से सजाया और इसका विस्तार किया। आजकल सरकारी हवेलानी और भ्रष्टाचार का मार झेल रहा है। इस स्थान के रखरखाव पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। रखरखाव की कमी से पानी की नहर कचरे से भरी हुई है। इससे भी देख रेख का कुछ मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। ये स्मारक पूरे राजस्थान में पाई जाने वाली राजपूत राजाओं के समाधि स्थानों को तोड़ता लग है। जहाँ अन्य जगहों पर समाधि के रूप में विशाल छत्रियों का निर्माण करवाया जा रहा है, वहीं जोधपुर के राजपूत राजाओं ने इस समाधि स्थलों को छत्र के आकार में न बनवाकर उसे चबूतरे पर विशाल मंदिर के आकार में बनवाया है। मंडोर उद्यान के मध्य भाग में दक्षिण में उत्तर की और एक पंक्ति में जोधपुर के महाराजाओं की समाधि स्मारक उच्च पत्थर की कुर्सियों पर बने हैं जिसकी स्थापना कला में हिंदू स्थापित कला के साथ मुस्लिम स्थापित कला का उत्कृष्ट समावेश दिया गया है। जहां एक और राजाओं के समाधि स्थल ऊंचे पत्थरों पर मंदिर के आकार के बने हुए हैं और वहीं रानियों के समाधि स्थल छत्रियों के आकार के बने हुए हैं। यहाँ पत्थरों पर हुई नक्काशी देखने लायक है। यहाँ मूर्ति कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। ये समाधि स्थल बाहर से जितने विशाल हैं अंदर से भी उतने ही सजाए गए। गहरे ऊंचे एक नक्काशीदार गुंबद पत्थरों पर उकेरी हुई मूर्तियों वाले
खंभे और दीवारों से उस समय के लोगों की कला प्रेमी होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मेन उद्यान में घूमते चीत पौधों के साथ वीरों का दरान वीर बावड़ी जनन में एक संबंध नहर झील व जोधपुर के विभिन्न राजाओं के स्मारक देखे। मंडोर गार्डन को तो तसल्ली से देखने के लिए कम से कम आधा दिन लग सकता है, इसलिए यहाँ के लिए समय निकाल कर आइए क्योंकि यहाँ चलना अधिक पड़ता है। इसलिए हम रोजे चप्पल पहन कर आइए और तेज धूप से बचने के लिए इसका छतरी लगाइए जी। धन्यवाद। आप देख सकते हो क्या मतलब इस स्ट्रक्चर इनका वाकई में खंभे पिलर आप बहुत ही है, वो दिख रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ कि देखिए अंदर की तरफ से आप देख सकते हो। वाकई में आर्किटेक्चर बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने, पिलर भी बहुत अच्छे वो सब बनाए। ये सब राजपूताना स्टाइल है, राजपूत उनका बहुत ही अच्छा है वो बनाया। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सब्सक्राइब, और जो नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे आगे तक फॉरवर्ड कर लीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और नए अच्छा कंटेंट लाने की आपको। आप